दिल्ली शकरपुर में आरपीएस स्टडी पॉइंट के डायरेक्टर सुजीत सिंह से बात की हमारे संवाददाता गौरव ठाकुर ने। क्या कुछ खास रहा इस चर्चा के दौरान, आइए जानते हैं। नेशनल मीडिया न्यूज से आज हमें लक्ष्मी नगर नई दिल्ली में आरबीएस स्टडी पॉइंट में, और हमारे साथ आरबीएस स्टडी पॉइंट के डायरेक्टर सुजीत सिंह सर। और सुजीत सिंह सर, नेशनल मीडिया न्यूज में आपका स्वागत है। और आलोक कुमार सर जो कि डायरेक्टर आरबीएस स्टडी पॉइंट, आलोक सर आपका भी स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर सबसे पहले ये बताएं कि नीट में काफी अच्छा अब स्टूडेंट्स का परफॉर्मेंस रहा है, तो नीट के एग्जाम आरबीएस स्टडी पॉइंट के क्या अचीवमेंट्स रहे हैं? अचीवमेंट तो सर वेल एंड गुड रहा है, और जैसा कि बच्चों ने मेहनत किया उसके हिसाब से रिजल्ट बहुत बढ़िया है। ओके ओके। और मुझे आगे की उम्मीद है कि रिजल्ट और भी वेल एंड गुड होगा। अच्छा। और हमारा कोशिश है कि और भी हम लोग तेज गति से काम करें, है ना, और भी ज़्यादा मेहनत करें, है ना। इस बार रिजल्ट हुआ है, इससे नेक्स्ट ईयर हमारा कई सारा बच्चा वैसा होगा जो 700+ हो, हमारा कोशिश तो यही है। आलोक सर ये बताएं कि आज कुछ परफॉर्मेंस था यहाँ पर, सेलिब्रेशन था आरबीएस स्टडी पॉइंट लक्ष्मीनगर में, थोड़ा ढोलक का रैली हुआ और स्टूडेंट्स का फेलिसिटेशन हुआ, थोड़ा बताएं। हाँ देखिए, ये जो हम लोगों ने इस बार का जो सिलेक्शन स्टूडेंट है हमारे जो बैठो में, तो हम लोगों ने हम एक छोटा सा सेलिब्रेशन रखा था, क्योंकि हमारा मेन एम था कि हम यहाँ जो ऑलरेडी हमारे बच्चे हैं वो भी समझे, जाने कि देखो कि आप यहीं पे सिस्टम में रह करके हमारे बच्चे ने कैसे इतने अच्छे रैंक अचीव किए हैं। तो इसलिए मैंने अभी एक छोटा सा प्रोग्राम रखा था, और इससे हमारे सारे बच्चे बहुत ही बेनिफिटेड हो गए। अजी सर, आगे स्टडी पॉइंट कोर्सेज जैसे मेडिकल में, आईटीजी वगैरह में क्या क्या कोर्सेज ऑफर करता है, एक बार थोड़ा सा बताएंगे व्यूअर्स के लिए? हम लोग जो एक्सपर्ट हैं वही नीट एंड आईटीजी, नथिंग एल्स। ओके। इसी में हमने शानदार मेहनत किया है और बेस्ट रिजल्ट दिया है, और आगे भी इसी फील्ड में काम करेंगे, वही नीट एंड आईटीजी। ओके सर, एक्सपर्ट। हाँ हाँ, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों कोर्सेज आज सर आलोक सर आरबीएस स्टडी पॉइंट बता से सिखाता है। कोविड में ऑनलाइन कोर्सेज काफ़ी बूम में था, कुछ अभी आप किस तरह का रिस्पॉन्स आ रहा है स्टूडेंट्स का? नहीं, बहुत अच्छा है। देखिए, अभी हमारा जो है हाइब्रिड सिस्टम है। ओके सर। जो कोविड के समय में भी हम लोगों ने ऑनलाइन सिस्टम किया था, हमारे पास बहुत अच्छे रिस्पांस आए थे। जब कोविड का जब नॉर्मल हुआ तो सारे बच्चे अभी ऑफलाइन में हैं, और अभी एक्सक्लूसिवली जो ऑफलाइन में है, अगर कोई बच्चे रिमोट में है, अगर उनको ऑनलाइन की जरूरत पड़ती है तो हम लोग सारे हमारे जो फैकल्टी है बहुत एक्सपर्ट है, और ऑनलाइन में भी सारे एक्सपर्ट हैं। तो अभी अगर किसी बच्चे को ऑनलाइन की भी जरूरत है तो मैं ऑनलाइन भी प्रोवाइड कराता हूँ। ओके। अनु सर, आरबीएस स्टडी पॉइंट से जो स्टूडेंट प्रोवाइड कराता हूँ। ओके। अनु सर, आरबीएस स्टडी पॉइंट से जो स्टूडेंट्स पास आउट करते हैं, किस तरह का प्लेसमेंट होता है उनका? देखिए, सबसे पहले तो जैसे इनका एक रैंक के अकॉर्डिंग तो उनको कॉलेज मिलता है, ठीक है ना। और उसके बाद जो भी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो इंडिया के बाहर भी करते हैं, तो बहुत अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट से कंट्री है, इंस्टीट्यूट है, जहाँ पे मैं देखा कि हमारे बच्चे बहुत अच्छे कर रहे हैं। ओके सुजीत सर, आगे स्टडी पॉइंट में फैकल्टी का किस तरह का, थोड़ा सा बताएंगे? सब हाईली एक्सपीरियंस। ओके। एनर्जेटिक। ओके। प्रधानमंत्री मोदी ने कल साइंस टेक्नोलॉजी कॉन्क्लेव में कहा अहमदाबाद में कि इंडिया को टेक्नोलॉजी इनोवेशन का हब बनना चाहिए, क्या कदम सरकार को उठाना चाहिए इस मैटर पे? हमें लगता है कि बन जाना चाहिए, बहुत पहले बन जाना चाहिए, लेकिन बस थोड़ा सा मैं कहूँगा कि जिस तरह से पोटेंशियल है हमारे स्टूडेंट में, हमारे बच्चे में, यहाँ के जो सभी लोगों में, हर फील्ड में, हम अपने फील्ड में भी देखते हैं, मेडिकल के फील्ड में भी हम देखते हैं कि, और रिसर्च का जो फील्ड है, मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा दोनों को ना, क्लिनिकल को और रिसर्च को, दोनों को अगर एक साथ करके, और जो बच्चे ऑलरेडी अभी स्टडी कर रहे हैं उनको थोड़ा सा इंडस्ट्रियल एक्सपोजर दे करके, या फिर रिसर्च एक्सपोजर दे करके, दोनों को एक साथ ला करके अगर करें तो हमें लगता है कि बहुत अच्छा ट्रांसलेशनल वर्क। ओके। कुछ स्टूडेंट टिप्स दीजिए सुजीत सर एक्सेल करने के लिए आईटी में, मेडिकल में। टिप्स का मतलब ये है कि जैसे मैं हमेशा बच्चों को यही कहता हूँ कि आप हमेशा तीन चीज पे फोकस करें, है ना। सेलेक्ट होने का जो फॉर्मूला है, नंबर 1 रेगुलर क्लास को अटेंड करें,
नंबर टू जो भी उनको होमवर्क मिलता है, होमवर्क का मतलब क्या है, हमारा स्टडी पैकेज है, टीपीपी है, असाइनमेंट है और साथ में एनसीईआरटी, उसको रेगुलर बेसिस उसको रिवाइज करें। और तीसरी बात क्या है ना कि कोई भी एक्स्ट्रा बुक को फॉलो ना करें, जो किताबें हमने दी हैं और जो एनसीईआरटी है और जो टीचर्स का नोट्स है और क्लास में फिजिकली और मेंटली प्रेजेंट है, इतना भी बच्चे करते हैं और इन सब चीज़ों को बार बार रिवाइज करते हैं, तो मैं नहीं कर, मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत है, सफिशियंट और इतना ही में क्या हमें उनका सिलेक्शन होता है और इसी चीज़ को सही तरीके से मैनेज करें। तो ये थे हमारे साथ आरवी स्टडी पॉइंट लक्ष्मी नगर नई दिल्ली से डायरेक्टर सुजीत सिंह सर और आलोक सर, नेशनल इंडिया न्यूज़ से जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया सर। बस खबरें जारी रहेंगी नेशनल इंडिया न्यूज़ पे, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नेशनल इंडिया न्यूज़। थैंक यू।